हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं इंफ्रारेड वर्सेस इंडक्शन कुकटॉप का वीडियो लेकर के आई हूं। तो क्या होता है कि हम इंफ्रारेड और इंडक्शन दोनों को देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा लें, तो आज मैं इन दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग इसको समझ करके बिल्कुल लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है और हमें क्या लेना चाहिए। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंफ्रारेड कुकटॉप वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो करंट के फ्लो होते ही गर्म हो जाता है और हीट उत्पन्न करता है, जिससे इसके ऊपर रखा हुआ बर्तन हमारा गर्म होने लगता है। मतलब कि यह एक तरह का हीटर ही होता है, जैसा कि पहले चला करता था, लेकिन उसमें जलने का और करंट लगने का ज़्यादा चांस होता था। तो उसी को अंश रूप में बना करके इस तरह इंडक्शन का रूप दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर सिरेमिक प्लेट लगी होती है, जिससे जलने का और करंट लगने का रिस्क कम होता है। और तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन में जैसे ही करंट फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जो हीट में कन्वर्ट होता है और हमारा रखा हुआ बर्तन इंडक्शन पर गर्म होने लगता है और हमारा खाना बनने लगता है। सेकेंड थिंग्स, जो हमारा इंफ्रारेड होता है उसमें सभी प्रकार के बर्तन जल जाते हैं, चाहे वह स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा या किसी या नॉन स्टिकी स्टिकी कोई भी बर्तन होते हैं, सभी जल जाते हैं। जबकि जो हमारा इंडक्शन होता है उसमें से केवल स्टील, आयरन और इंडक्शन बेस्ड बर्तन ही चलते हैं। मतलब कि अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो फिर आप इंडक्शन लीजिए, और अगर आपके पास अभी गैस सिलेंडर नहीं है और आप कुकटॉप लेना चाहती हैं तो आप इंफ्रारेड लीजिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के आपके जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो यूज हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड बात की ओर। तो थर्ड बात अगर हम देख लेते हैं कि हीटिंग क्वालिटी क्या होती है। तो जो हमारा जो इंफ्रारेड होता है उसमें हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो गर्म हो जाता है, चाहे हम उसमें बर्तन रखें या ना रखें, और वो पूरी बराबर, मतलब जो उसकी फ्लेम होती है, जो हीट होती है, पूरी बराबर तरह से होती है। जबकि जो हमारा इंडक्शन होता है, जब हम उसको ऑन करते हैं और उस पर बर्तन रखते हैं, तभी वह गर्म होता है, और उसका जो बीच सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर वो ज़्यादा गर्म होता है, जिससे कि उसमें क्या है, जो इंडक्शन में फ्राई करने वाली चीज़ें हमें थोड़ी सावधानी से करनी होती, नहीं तो उसके जलने का डर रहता है। जलने का डर इंफ्रारेड में भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बराबर हीट होती है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फ्राई वाली चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक कौन चलता है। तो जो हमारा इंफ्रारेड होता है वो अगर एक जंक्शन है कि जैसे अगर वो 10 ईयर्स तक चलता है, तो जो हमारा इंडक्शन है वो 5 ईयर तक चलता है। बाकी फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से केयर करते हैं इंफ्रारेड की या इंडक्शन की। तो मैंने इंडक्शन के केयर करने पर, उसे क्लीन और केयर करने पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से उसका ध्यान रखेंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, तो आपका जो इंडक्शन है वो भी लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बिजली खर्च की, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है। तो जो इंफ्रारेड होता है वो थोड़ी इंडक्शन की अपेक्षा ज़्यादा बिजली लेता है, क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये गर्म हो जाता है, और इसमें जो बिजली होती है वेस्ट ज़्यादा होती है यूज होने की बजाय। जबकि इंडक्शन होता है उसमें बिजली कम खर्च होती है, मतलब कम हमारी यूनिट आती है, क्योंकि इंडक्शन तभी गर्म होता है जब हम उस पर कोई बर्तन रखते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, मतलब समानता क्या होती है। तो जो इंफ्रारेड और इंडक्शन होते हैं लगभग सेम प्राइस के होते हैं, और ये दोनों ही पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि साइज़ एवं शेप में भी ये सेम होते हैं, और दोनों में ही आपको टाइमर बटन और पावर सेटिंग बटन मिल जाता है। और इस चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या होता है। तो इसका जो हीटिंग जो प्लेट होती है उसके ऊपर सिरेमिक प्लेट लगी होती है, जिससे इसमें जलने का डर कम होता है, और इसके साथ ही इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें करंट लगने का भी बहुत कम रिस्क होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं परचेस की। तो जैसा कि आप, अगर आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है अभी और आप कुकटॉप खरीदना चाहते हैं, तो आप इंफ्रारेड लीजिए, क्योंकि इसमें जो है फ्राई वाली चीज़ें और साथ ही रोटियां बड़ी आसानी से बन जाती हैं। और अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो फिर आप इंडक्शन लीजिए, क्योंकि जो इंफ्रारेड है वो थोड़ा ज़्यादा बिजली लेता है इंडक्शन की अपेक्षा। तो आप अगर गैस सिलेंडर भी रखेंगे और इंडक्शन भी रखेंगे, तो जैसे कुछ खाना आपने गैस में बना लिया, और जैसे रोटियां और फ्राई वाली चीज़ें आपने गैस में बना लिया, और बाकी
या फिर इंडक्शन में बना लेंगे। इससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी बिजली भी सेविंग होगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके और किसी फ्रेंड्स एवं फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।